हेलो डियर स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस हमने स्टार्ट किया हुआ था आज हम हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ चुके हैं फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स ने तीन ला दिए हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो फर्स्ट वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्लास से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे ही रहता है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट पर ही रहता है मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक हम कंपेल नहीं करते उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स के साथ अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक रूम में टेबल के ऊपर बुक्स बुक पड़ी है तो वो बुक वहीं पे पड़ी रहेगी जब तक उसे कोई फोर्स लगा के उठाएगा नहीं एक क्लासरूम में एक लेक्चर स्टैंड है एक बोर्ड है डस्टर चौक है वो वहीं पे रहेंगे कब तक जब तक हम में से कोई या कोई भी आ, उस रूम में जाके कोई भी कोई भी बॉडी उसमें जाके उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको पिक नहीं करती उठाती नहीं है या उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको मूव नहीं करवाती नेक्स्ट इनर्शिया सी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन इज कोल्ड इनर्शिया वट इज इनर्शिया इट इज द इनह प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट की इनहट प्रॉपर्टी ऑफ ए नेचुरल टेंडेंसी किस बात की टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में मोशन में है तो मोशन में खुद की रहने की जो उसकी ताकत है मतलब अगर वो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी अब तक अपने आप तो जाती नहीं ना वो तो उसके अंदर की ताकत है जो उसको रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहने के लिए देती है मोशन में तो वो मोशन में ही रहने के लिए देती है कि जब तक सामने वाली फोर्स अप्लाई नहीं करती ठीक है तो वो कौन सी है उसकी अंदर वाली जो ताकत है इनहट प्रॉपर्टी या फिर नेचुरल टेंडेंसी दैट इज कोल्ड इनर्शिया दैट इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया तो ये दोनों क्या है सेम ही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया नीचे देखिए आपको स्लाइड्स में आ, राइट लेफ्ट हैंड साइड देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है एक टम्बलर है ग्लास है यानी कि टम्बलर के ऊपर एक कार्बोर्ड कार्बोर्ड है कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन है वो कॉइन है वो कॉइन तब तक कार्डबोर्ड के ऊपर ही रहेगा रेस्ट पे रहेगा जब तक क्या हो एक पर्सन उसको फोर्स लगा के स्ट्राइक करके कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स ना लगाए और अगर फोर्स लगा दी नेक्स्ट स्लाइड में राइट हैंड साइड देखिए राइट हैंड साइड में क्या फोर्स लगा दी कार्डबोर्ड आगे गया और क्या हो गया कॉइन नीचे टम्बलर में गिर गया तो इनह प्रॉपर्टी मतलब इनर्शिया था क्या कॉइन uh, का इनर्शिया था वो रेस्ट पे रह रहा है बट जब सेकेंड स्टेट में सेकेंड uh, स्टेज में उसके ऊपर फोर्स लग गई तो वो क्या हो गया चेंज कर गया अपने अपने आप को और वो टम्बलर में गिर गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो रेस्ट में रहना चाहता था इसीलिए वो नीचे गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हुआ उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल किया उसने रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया इफ अ स्ट्राइकर हिट अ पाइल ऑफ कॉइन और अ कैरम बोर्ड द लोएस्ट कॉइन मूवस आउट एंड ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट द अदर कॉइन फोल्ड आउन वही सेम जो टम्बलर वाला केस था वही इस केस में है कैरम बोर्ड आप सभी ने खेला होगा कैरम बोर्ड में पाइल्स बन जाती हैं कॉइन के पाइल्स बन जाती हैं और जब स्ट्राइकर से हिट करते हैं तो क्या होता है जो लोएस्ट लो वाला कॉइन है उसके ऊपर स्ट्राइकर हिट होता है वो वो आगे निकल जाता है और बाकी सारे कॉइन क्या करते हैं सारी की सारी पायल नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर जाती है वो क्यों कर जाती है इनर्शी ऑफ रेस्ट की वजह से नेक्स्ट केस है इफ अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ प्लेइंग कार्ड ओवर अ टम्बलर इज फ्लिक्ड विद अ फिंगर ड्यू टू इनर्जी ऑफ रेस्ट द कॉइन फॉल डाउन इन अ टम्बलर ये लास्ट एक्टिविटी में हमने पढ़ लिया उसी, उसी की एक्सप्लेनेशन है थर्ड वन इज वेन वी ट्रेवल इन अ कार एंड द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक सडनली टेंट टू फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्जी ऑफ मोशन अगर हम किसी कार में मूव मोशन uh, में हैं एंड ड्राइवर अप्लाई सडनली ब्रेक कार मूव मोशन में है हम कार में बैठे तो हम भी मोशन में हुए बट जैसे ही ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो हम हम मोशन में है तो हम मोशन में रहना चाहते हैं इसलिए हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर देते हैं दिस इज जस्ट ड्यू टू इनर्जी ऑफ मोशन नेक्स्ट केस इज वेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड द बस बिगिन टू मूव सडनली हम बस में खड़े हैं बस रुकी हुई है वेन द बस बिगिन टू मूव सडनली वी टेंड टू फॉरवर्ड फॉल बैकवर्ड जब एकदम से चलती है तो हम क्या करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल होते हैं क्यों होते हैं बिकॉज बस इज इन रेस्ट और हमारे फीट बस के साथ कॉन्टेक्ट में है वो भी रेस्ट में है बट जैसे ही बस एकदम से चलती है हमारी अपर बॉडी भी रेस्ट में है वो एकदम से क्या करती है वो वो तो रेस्ट में रहना चाहती है इसलिए हमारे फीट आगे वाली डायरेक्शन में चले जाते हैं और हमारी अपर बॉडी जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल करती है दिस इज जस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया एंड मास अ बॉडी रेस्ट कंटिन्यू टू बी रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यू टू बी इन मोशन दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया हम सभी ने पढ़ लिया इनर्शिया के बारे में द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी अब इनर्शिया को हम कैसे मेजर करते हैं कैसे मेजर करेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की फोर्स uh, से जो रिक्वायर है किस किसके लिए टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी ठीक है uh, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ एक बुक है वो पड़ी हुई है ठीक है बुक है टेबल के ऊपर रखी हुई है उस अगर बुक को हमने हिलाना है हमने कि थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी हमें थोड़ी सी फोर्स लगाने से उसकी स्टेट जो है चेंज हो जाएगी यानी कि उसका इनर्शिया कम है तो बुक है एक बुक है उसका इनर्शिया कम है ठीक है क्योंकि उसका मास कम है मास कम है तो इनर्शिया कम है इनर्शिया कम है तो हमें फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए ठीक है ऑटो इन शॉर्ट यानी कि इनर्शिया क्या हो गया फोर्स की मेजरमेंट अगर फोर्स uh, कम है तो इनर्शिया भी कम है द फोर्स रिक्वायर टू चेंज द स्टेट ऑफ अ हैवियर बॉडी इज मोर देन द फोर्स रिक्वायर टू चेंज द स्टेट ऑफ अ लाइटर बॉडी अब अगर बु, एक बुक की कंपेरिजन में एक पूरा एक आ, शेल्फ है एक पूरी उस पूरी शेल्फ में क्या है बुक्स लगी हुई हैं काफी सारी अलमीरा लगा लीजिए आप एक रैक लगा लीजिए एक रैक में बुक्स पड़ी हैं काफी सारी और आपने वो रैक हिलाना है तो एक बुक की कंपैरिजन में काफी सारी बुक्स हैं उसमें तो उसमें मास ज्यादा है मास ज्यादा होगा तो क्या होगा इनर्शिया ज्यादा इनर्शिया ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी उस पूरे के पूरे रैक को हिलाने के लिए सो इन शॉर्ट द मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर एज इट्स इनर्शिया ठीक है जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया मास ही मेजर करता है इनर्शिया को अभी देखिए एक छोटा सा ब्लॉक है, है, इसका इसका है, तो है और यहाँ पे एक बड़ी सारी, बड़ा सारा ब्लॉक है और इसको हिलाने के लिए फोर्स क्या होगी ज्यादा लगानी पड़ेगी इस पर्सन को क्लियर नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी व्हाट इज मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट यहां पे एक ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई मैं बोल रही हूं आपको द क्वाटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी में जितने मोशन की क्वांटिटी है कितनी क्वांटिटी है मोशन की दैट इज कोल्ड मोमेंटम मोमेंटम की मैथमेटिकल डेफिनेशन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड विलोस्ट्री मास एंड विलोस्टी का मल्टीप्लाई दैट इज कोल्ड मोमेंटम मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से मास को एम से और वेलोसिटी को वी से पी इज टू एम वी और इसके अगर ऐसा SI यूनिट की बात करें हम मोमेंटम SI यूनिट की मास SI यूनिट क्या होते हैं किलोग्राम और वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड तो मोमेंटम के क्या हो गए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्लियर अगर किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो अगर विलोस्टी जीरो है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि कोई क्यों भी ऑब्जेक्ट का मास तो कभी भी जीरो हो नहीं सकता अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास कम ज्यादा कुछ तो होगा ना मतलब वो जीरो नहीं हो सकता तो 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 अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो वो जीरो तो उसका मोमेंटम भी जीरो अभी ये मोमेंटम के एप्लीकेशंस देखिए इसको समझने के लिए इसके एग्जांपल हैं अ ट्रक मूविंग एट अ वेरी लो स्पीड कैन किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ बिकॉज ऑफ द हैवी मास ऑफ द ट्रक एक ट्रक है ठीक है ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है बट वो मूव वेरी लो स्पीड के साथ यानी कि ट्रक का मास ज्यादा है विलोसिटी बहुत कम है बट फिर भी वो क्या है अगर उसके रास्ते में कोई पर्सन खड़ा है तो उसको मार सकता है वो क्यों मार सकता है क्योंकि उसका मास ज्यादा है मास ज्यादा है चाहे विलोसिटी कम है तो मोमेंटम क्या हो गया ज्यादा इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा उसका उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा पड़ेगा उस पर्सन के ऊपर जब एक ट्रक टकराएगा एक पर्सन के साथ तो पर्सन को इंजरी भी होगी और उसकी जान भी जाती है जा सकती है ना नेक्स्ट है अ बुलेट ऑफ स्मॉल मास वेन फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन किल अ पर्सन बिकॉज ऑफ द लार्ज विलोसिटी ऑफ द बुलेट अब सेकेंड केस में बुलेट ले लिया मास ट्रक के कंपेरिजन में बुलेट का मास बहुत ज्यादा कम है बट जब वो गन से फायर करते हैं तो उसकी विलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ठीक है जब विलोस्टी ज्यादा होगी तो अगेन उसका मोमेंटम ज्यादा मोमेंटम ज्यादा तो वो भी क्या करती है किल कर सकती है किसी भी पर्सन को सो द इम्पैक्ट ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास एंड विलोसिटी दिस इज कॉल्ड मोमेंटम आई थिंक इट्स इनफ फॉर टूडे थैंक यू हैव अ नाइस डे